चलो, सो हम लोगों ने कल कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसीजंस रिलेटेड रिलेटेड विद द फाइनेंसिंग, ये चीज हम लोगों ने समझी थी, राइट? आज हम लोग पढ़ेंगे डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड, लास्ट वाला टॉपिक, ठीक है? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिविडेंड? क्या होता है डिविडेंड? डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड, यस, एनीवन? सो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट गिवन टू द शेयर होल्डर्स. ओके, सो डिविडेंड क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू दी शेयर होल्डर, ठीक है? ये चीज आपने बताई मेरे को. ओके, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. चलो, सो ये तो डिविडेंड हुआ. अब मुझे बताओ कि फिनेंशियल मैनेजर का काम डिविडेंड देना तो है, लेकिन कितना, वो कैसे पता चले कि इस साल हम लोग कितना डिविडेंड दे, ज्यादा दे, कम दे, कौन से प्रपोर्शन में दे, कितना परसेंटेज दे, वो कैसे पता चलेगा? वो आपकी बात सही है मिहिर, जिसने जितने शेयर्स खरीदे हो, लेकिन इस साल कितने परसेंटेज कंपनी डिविडेंड देगी और कितना रिटेन अर्निंग्स रखेगी, वो कैसे पता चले? वो मैं बोल रही हूँ. वो तो जो परसेंटेज डिसाइड होगा उसका हम लोग मल्टीप्लाई करके, भाई शेयर्स जितने हैं उसको उतना दे दे, बट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो प्रॉफिट, यस राखी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिविडेंड कितना देना है. तो डिविडेंड इज बेस्ड ऑन दी अर्निंग्स, जो प्रॉफिट हो रहा हो बिजनेस को, अर्निंग्स, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर प्रॉफिट ज्यादा हो तो डिविडेंड क्या होगा? अगर प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, अगर प्रॉफिट्स कम सो डिविडेंड कम, राइट? So, इस तरीके से जनरली एक आप लोग जानते होंगे. बट फिनेंशियल मैनेजर क्या काम करता है अभी? तो फिनेंशियल मैनेजर के पास दो ऑप्शंस है. एक है कितना रिटेल अर्निंग्स रखना है, और जिसको हम लोग प्लसिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, और कितना डिविडेंड देना है. सो जरूरी नहीं है कि अगर हर साल अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम लोग डिविडेंड भी ज्यादा देंगे. काफी बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट्स भले ज्यादा है लेकिन डिविडेंड इतना ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि रिटेन अर्निंग्स हम लोगों को ज्यादा रखना पड़े, ऐसा भी तो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है ना. हमेशा पॉजिटिव रिलेशन हो प्रॉफिट और डिविडेंड के बीच में, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते. सो सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस कैसे है कंपनी के अंदर, हाल कैसा चल रहा है कंपनी का, कितना फिनेंशियल
नीड्स है, कितना हम लोगों को इन फ्यूचर भाई कोई प्लानिंग हमारी चल रही है, हम लोगों को असेट्स वगैरह खरीदने या कुछ करना है तो क्या करें, राइट? हाँ यस विकास, यू आर ट्रू कि वो कंपनीज नहीं देती है. तो फिनेंशियल मैनेजर के दिमाग में प्रॉब्लम अराइज होता है कि यार इस साल क्या करें. सो इस साल क्या करने के लिए हम लोगों को कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि इस साल की इनकम कितनी है, फिर हम लोगों ने लास्ट साल कितना दिया था डिविडेंड, फिर हालत कैसी, मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है, फिर हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में हम लोगों को कुछ असेट्स वगैरह खरीदने हैं. अगर वैसा सब कुछ है तो हम लोग रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रखेंगे. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स को फिनेंशियल मैनेजर कंसिडर कर डिसीजन लेता है कि हम लोगों को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. सो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डिविडेंड, सो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. और ये डिविडेंड को जो पे किया जाता है वो जनरली एंड में ही पे किया जाता है, साल खत्म हो रहा होता है, मार्च वगैरह जो टाइम होता है ना, मतलब उस वक्त तो डिक्लेयर किया जाता है कि भाई कितना डिविडेंड देना है. इनका एक्चुअल पेमेंट जो होता है डिविडेंड का उनके अकाउंट्स में, वो किया जाता है मई के अंदर, मतलब दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया और फिर उनकी पेमेंट्स, प्रीवियस ईयर की पेमेंट्स चल रही होती है. सो ये सब चीजें जनरली ऐसे फ्लो में जाती है. और प्लस यहाँ पर पहले कैश में या चेक में डिविडेंड को पे किया जाता था, लेकिन अभी तो आपको पता है डीमेट अकाउंट ओपन हो गए हैं तो उनके सीधा अकाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि क्या लिखा है. और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं इसके रिलेटेड, कि डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है. आप लोग शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ते आए हो कि कोई भी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अगर कुछ भी बाकी है किसी भी शेयर होल्डर का, तो जितना पेड अप है, जितना उन्होंने पे कर दिया है उसी के ऊपर उनको डिविडेंड दिया जाता है. अगर कोई भी कॉल बाकी है उनका, फर्स्ट कॉल, सेकेंड, फाइनल कॉल जो भी बाकी है, उनके ऊपर पे नहीं किया जाता, ठीक है? जयेश फर्स्ट से देखो क्या है, क्या लिखा है. डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स. डिविडेंड इज अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. सो जो भी शेयर्स जिसने भी खरीदे हैं, और फिर इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स ने शेयर वगैरह खरीदे और कंपनी को कैपिटल दिया है, तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ तो देंगे ना कंपनी वाले. सो उसको हम लोग एज अ डिविडेंड कहते हैं. So as per the Companies Act, dividend can be paid in a cash or a check on paid up share capital. So please must underline this line. आपसे ये वन मार्क में और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कैसे डिविडेंड पे किया जाता है, ऑन विच टाइप ऑफ कैपिटल. ऐसा क्वेश्चन करके भी हम लोग पूछ सकते हैं ऑन विच टाइप ऑफ कैपिटल डिविडेंड इज पेड, राइट? सो पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल पे ही डिविडेंड दिया जाता है, जितना पे किया है सामने शेयर होल्डर ने. सो फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड एंड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी केप्ट एज द रिटेन्ड अर्निंग्स और अ प्लफिंग बैक ऑफ अ प्रॉफिट, राइट? तो ये डिसीजन लेने के लिए कौन है, फाइनेंशियल मैनेजर. सो रिटेन्ड अर्निंग इन द बिजनेस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ द फाइनेंस, क्योंकि अगर बिजनेस के पास अच्छा खासा रिटेन अर्निंग्स है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है उसका, तो उसको बाहर से पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है. कभी भी कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आ गई या फ्यूचर में कुछ उसको अपग्रेड करवाना है, अपना टेक्नोलॉजी, मशीनरीज और ये सब कुछ नए तरीके से लेना हो, तो ये रिटेन अर्निंग्स उसको काम आते हैं. पेज नंबर 87 दीपिका 87 पे दिया हुआ है, लास्ट वाला, लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ देखो. फिर क्या बताया है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी. एक जनरल सी चीज मुझे बताओ कि अगर डिविडेंड कंपनी ज्यादा देगी तो
मार्केट में शेयर प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यह शिल्पा, क्या होगा मार्केट में शेयर प्राइस, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा अगर डिविडेंड्स ज्यादा देती है कंपनी तो? व्हाट विल हैपन? यस, मेरे को तीन चार के आंसर आ रहे हैं, बाकी सो यस पीयूष, क्या होगा मार्केट प्राइस, शेयर का अप जाएगा कि डाउन अगर डिविडेंड, इस बार कंपनी ने डिविडेंड्स ज्यादा डिक्लेयर किए हैं? इंक्रीज ही होगा शेयर. सो देखो, डिविडेंड डिक्लेयर करने से मार्केट प्राइस पे भी अफेक्शन हो रहा है, तो फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत सोच समझकर ये फैसला लेना पड़ता है. सो इफ द मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, इट डिक्रीजेस द प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. सीधी सी बात है, अगर मेरे पास लाख रुपए है और लाख में से मैं 80,000 जितने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो बाकी रिटेन अर्निंग्स मेरे पास कितने बचे? खाली 20,000. लेकिन अगर मैं रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रख रही हूँ, डिविडेंड्स कम दे रही हूँ, तो ऐसी चीज भी हो सकती है और जिसकी वजह से मार्केट प्राइस पे भी अफेक्शन आ सकता है. सो इफ द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, इट डिक्रीजेस द प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ द मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट is reinvested, that is pluffing back, हम अगर कर रहे हैं अपने business के अंदर, then less amount left for the dividend. So ये चीज generally होते हैं. So कुछ factors को हम लोगों को consider करके चलना पड़ता है while taking the decisions related to the dividend. So financial manager क्या देखेगा? सबसे पहले तो divisible profit, कि company के पास profit कितना है. Divisible profit क्या होता है generally, मैं आपको calculation करके दिखाऊं. Say for example, एक लाख जितना प्रॉफिट है कंपनी के पास, मैं बहुत छोटा अमाउंट ले रही हूँ और मैं आपको जस्ट एक कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ. एक लाख, ठीक है? तो दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है. इसमें से मैंने टैक्स सॉरी इंटरेस्ट माइनस किया. से फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट मैंने लोन लिया था या फिर मैंने डिबेंचर्स वगैरह को इंटरेस्ट दिया इस साल, वो 20,000. बाकी बच्चा 80,000, मेरे पास 80,000 क्या है? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है? अभी तक टैक्स इसमें से पेमेंट नहीं किया. अगर टैक्स माइनस करूं मैं, से फॉर एग्जांपल टैक्स है 30,000, तो मेरे पास अमाउंट बचा 50,000, ठीक है? तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. हम लोग पीएटी भी बोलते हैं, ईएटी भी बोलते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और इसी को, ये 50,000 को डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा कितना डिविडेंड रखना चाहिए और कितना रिटेन अर्निंग्स होना चाहिए, ठीक है? तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है. सो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, ठीक है? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, सबसे पहला फैक्टर कि डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है. तो सबसे पहला डिविजिबल प्रॉफिट देखना पड़ेगा. सेकंड चीज कि इस बार तो चलो कि भाई अच्छा खासा हम लोग डिविडेंड दे दे, और अगर इस साल बहुत हाई दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर अगर हमारी इनकम थोड़ी बहुत लो गई या कुछ भी हुआ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम लोगों का सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि भाई इनकम थोड़ी लो जाएगी, और अगर नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने उनको कम डिविडेंड दिया, तो शेयर होल्डर्स तो नाराज हो जाएंगे हमारे से. मतलब बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई नेक्स्ट ईयर की इनकम कितनी होगी, कैसी होगी, क्योंकि इस साल आप ज्यादा दे दो और नेक्स्ट ईयर अगर आप कम दोगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे शेयर होल्डर्स, वो तो नाराज होंगे ही होंगे. हम लोगों को बहुत सोच समझ के फैसला लेने का. सो एस्टिमेशन कितना है, इनकम कितनी होगी फ्यूचर में, अभी उल्टा कम दो नेक्स्ट ईयर में उल्टा ज्यादा दोगे, या उससे नेक्स्ट ईयर में आप ज्यादा ज्यादा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओगे, That is good for the. क्या भाई वो उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई इस साल ठीक है कम, नेक्स्ट ईयर ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब वो कंपेरिजन करने में फिर आसानी होगी कि यार लास्ट ईयर तो अपने को कम मिला था, इस साल अपने को ज्यादा मिला. तो ऐसा चीज जनरली होता है. इवन हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स भी देखने पड़ते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में हम लोगों ने कितना डिविडेंड दिया था,
So rate of dividend paid by the company in the past year. देखो third point वही आ रही है कि past years में हम लोगों ने कितना dividend pay किया. Then need of a plucking back of profit. इस साल अपने को plucking back कितना करना पड़ेगा profit का. Retained earnings कितनी रखनी पड़ेगी हम लोगों को, इतनी जरूरत है अगर. क्योंकि देखो retained earnings अगर मैं रख रही हूँ अच्छी खासी, तो मेरा plan है कि भाई assets खरीदने हैं मुझे next year में, तो मुझे बाहर से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा ना. असेट मैं अपने रिटेन अर्निंग्स में से खरीद सकती हूँ, क्योंकि मैं यही चीज प्रॉफिट का ही जो पार्ट है, जैसे से फॉर एग्जांपल 60,000 जितना मैं लेकर जा रही हूँ कि भाई रिटेन अर्निंग्स में रख रही हूँ कि भाई उसमें फिर से री इन्वेस्ट कर रही हूँ बिजनेस के अंदर, तो बाहर से मैं लोन असेट के लिए या फिर मैं डिबेंचर्स वगैरह क्यों इश्यू करूँ. इससे बेटर है कि मैं रिटेन अर्निंग्स रखूँ और थोड़ा बहुत डिविडेंड कम दूँ. इसके रिलेटेड एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को समझा देने का, इसके रिलेटेड क्या भाई नेक्स्ट ईयर हमारा प्लानिंग है भाई कंपनी का, कि भाई असेट्स वगैरह खरीदने हैं, अपग्रेड करना है अपने को मशीनरी वगैरह, तो उसके लिए अपने को इस बार रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रखने पड़ेंगे और डिविडेंड कम इशू कर रहे हैं इस साल अपने. नेक्स्ट ईयर अगर ज्यादा, क्योंकि अपग्रेडेड मशीनरीज हो जाएगी और उस बजट से शायद इनकम वगैरह ज्यादा हो गया, काफी अच्छे लेवल का प्रोडक्शन हो गया, तो आप लोगों को ही फायदा है भाई. तो हम लोगों को ऐसे समझाने का होता है इसके रिलेटेड. तो कितना नीड है अपने को रिटेन्ड अर्निंग्स प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट रखने का. फिर फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है वही बिजनेस की, और फाइनेंशियल नीड्स क्या है कंपनी की प्रेजेंट में. फिर रेशियो ऑफ रिजर्व्स विद द कंपनी, रिजर्व्स कैसे पड़े. अगर रिजर्व्स पड़े हैं अपने पास तो चलेगा, अपने अगर रिटेन्ड अर्निंग्स इतना ज्यादा नहीं रखते चलो इस बार खुश करो, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ भाई चलो इस बार डिविडेंड ज्यादा दो. फिर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मैंने ये आपको चीज बताई कि अगर कुछ प्लानिंग होगी तो अपने को रिटेन अर्निंग्स रखनी पड़ेगी. तो एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैसे है. टैक्सेशन, टैक्स कितना लगेगा, सो उसके ऊपर भी तो बेस करता है ना कि कितना डिविडेंड. क्योंकि जिस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है ना, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता है. लेकिन कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है. तो जितना ज्यादा करेगी उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. तो टैक्सेशन पॉलिसी क्या है वो सब चीजें भी देखनी पड़ती है. लीगल रेस्ट्रिक्शंस देखने पड़ते हैं, सेबी के गाइडलाइंस और कि कितना मिनिमम अपने को देना ही होता है. फिर एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार शेयर होल्डर्स की, वो भी हम लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ता है. एंड कंडीशन ऑफ द कैपिटल मार्केट, मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है. एंड ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी पोजीशन, हाल फिलहाल मेन तो क्या है अपने पास बैंक बैलेंस तो होना चाहिए इतना. मैं डिविडेंड दूंगी किसमें से, मेरे पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो, कैश नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे डिविडेंड की. तो वर्किंग कैपिटल, हम लोगों को मेन तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए लिक्विडिटी हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो मैं पे कर सकूंगी ना बैंक अकाउंट से सबको. तो इवन ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके फिनेंशियल मैनेजर डिसीशन लेता है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, कितना पार्ट एज अ डिविडेंड एंड कितना पार्ट एज अ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. Because there are various factors, अभी आप लोगों ने देखे, एक फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर नहीं है भाई, there are various list of the factors, ठीक है. तो समझ में आया हर किसी को, कोई फैक्टर रिलेटेड कोई भी पॉइंट में आपको डाउट तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो. यस एनीवन, एक बार जस्ट लुक दे दो इसको कंसेप्ट को, फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़े. बिकॉज बहुत छोटा कंसेप्ट है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड, डिविडेंड में से एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ये समझ के चलना आप लोग. अब डिविडेंड में एमसीक्यू में दे दूं कि भाई कौन से कैपिटल पे डिविडेंड पे किया जाता है, या फिर डिविडेंड क्या होता है वन मार्क में दे दूं, या फैक्टर्स दे दूं मैं दो मार्क के अंदर के, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटेड टू डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड, ऐसा दे दूं. तो यू और फैक्टर्स में भले वो दो मार्क में आए, अगर चार फैक्टर्स लिखे ना तो मैं एक ही मार्क दूंगी यहाँ पे, क्योंकि स्टेट ही करना है खाली, अंदर नहीं लिखना है कुछ भी. सो आपको कम से कम 7 to 8 फैक्टर्स तो लिखने ही पड़ेंगे, भले दो मार्क में पूछे, सब छोटे छोटे है एकदम. चार लिख रहे मैं एक ही मार्क दूंगी, फिर मेरे को बोलना नहीं कि हम लोगों ने चार तो लिखा है. यस एनी पॉइंट
किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड या फिर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिविडेंड, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी, समझ में आया? आगे जाके कहीं भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल या खुद की कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर बनते हो, सो डिविडेंड देने से पहले 10 बार सोचना ये सारे फैक्टर्स को, कैसा सिचुएशन है। इसी वजह से, क्योंकि हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि आगे चलकर आप बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हो, हम लोग अभी से ही 12th स्टैंडर्ड वालों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेजर्स आगे चलकर वो बने, ऐसा हम लोग होप रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस में तो आप करोगे करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सो आगे हम लोग जंप करते हैं। अगेन मैंने कल ही कहा था कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर फिर से एक्सप्लेन किया है डिटेल में कल, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैं फटाफट से उसको चलूंगी। कुछ भी अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो मेरे को रोकना, मैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कल ही पढ़ा है, राइट? वही चीजें लिखी है, वही वो चार टाइप्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको कल बताया कि आपको खाली बर्गर खाना है या फिर बर्गर प्लस फ्रेंच फ्राइज, बस वही वाला चीज है यहाँ पे। और एक और अच्छी चीज दी है, आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड बताया। चलो सबसे पहले इसको रख करो, सो कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई मीनिंग बता सकता है मेरे को, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? A financial manager has to decide the structure of capital. But capital structure क्या होता है? Anyone? What is capital structure? Mixture of owner's fund and debt, or combination of owner's fund and borrowed fund, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। So it's a mixture of owner's fund plus debt की जगह पे आपको borrowed funds use करना है word, तो भी आप use कर सकते हो। ठीक है, ये हुई आपकी capital structure की define। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? हाँ पीयूष, आपकी बात सही है कि टोटल ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, बट कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, वी हैव टू डिसाइड द प्रॉपर प्रपोर्शंस कि कितना ओनर्स फंडिंग होना चाहिए, कितना बोरोड फंडिंग होना चाहिए। सो हम लोग कुछ रेशियोज और कुछ अपने पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं कि कितना इक्विटी शेयर्स, कितना प्रेफरेंस शेयर्स, कितने डिबेंचर्स, ऐसा, तभी उसको नाम दिया गया कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? सो अगर हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, balancing the owner's fund and borrowed fund can be called as a optimum capital structure. अगर owner's fund और borrowed fund balance होते हैं, by same होते हैं, तो सबसे less risky होता है वो capital structure, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर borrowed fund कम है और owner's fund ज्यादा है तो risk ज्यादा रहता है, और generally अगर borrowed funds ज्यादा है, owner's fund कम है, तो वही इनसॉल्वेंसी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सो एवरी फाइनेंशियल मैनेजर ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन द ओनर्स फंड्स एंड द बोरोड फंड्स, डेप और ओनर फंड के बीच में वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग बिटवीन owners capital or fund and debt, ठीक है?
चलो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. देर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टिमेट द नीड ऑफ द कैपिटल कि हाउ मच हम फाइनेंस इज नीडेड फॉर अ कंपनी. तो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन कि भाई हम लोगों को कितना चाहिए आखिर. सबसे पहला तो दिमाग के अंदर यही चीज आता है. दूसरा चीज ये आता है कि हमारे पास कौन से जरिए है सोर्सेज है जहां से हम लोग कैपिटल रेस कर सकते हैं. सो सेकेंड क्या है प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ द कैपिटल दैट इज प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कंपनी कैन ऑब्टेन नेसेसरी कैपिटल फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. द कंपनी प्रोक्योर्स मीन्स एक्वायर्स द कैपिटल बाय इशूइंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी सच एज इक्विटी शेयर्स preference shares, debentures, etc. But in what proportion will the various type of security is issued is determined by the financial manager. मैंने आपको पीयूष को मैंने वही चीज बताई कि कौन से proportion में हमारे पास हमको पता है कि we have different type of securities हम लोग issue कर सकते हैं market में और पैसा capital हम लोग market से collect कर सकते हैं लेकिन कितना तो वो हम लोगों को सोचना पड़ता है. सो कंपनीज के पास जनरली चार तरीकों के कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं. कोई मुझे बताएगा कि कौन से चार तरीके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के. फोर टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन only equity shares. okay, only a company khali equity shares issue kare market mein. second one equity plus preference ye do ke through paisa raise kare market se equity shares and preference shares. तीसरा आएगा इक्विटी एंड डिबेंचर्स. तो ये भी तरीका है कि इक्विटी शेयर्स इशू करें और डिबेंचर्स इशू करें. राइट, इक्विटी प्लस डिबेंचर्स एंड द फोर्थ वन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स. ओके, इक्विटी भी इशू करें मार्केट में, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करें मार्केट में और डिबेंचर्स भी इशू करें मार्केट में. सो जितनी बड़ी कंपनी उतना उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसे जाएगा. जितना लार्ज कंपनी जितना लार्ज स्केल पे काम करेंगे ना तो वहां पर उनको ये इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स इशू करने ही पड़ते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को. अगर छोटी कंपनी है तो वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करके भी कैपिटल कलेक्ट कर सकती है या अगर थोड़ी और बड़ी है तो ऐसे जरिए हमारे पास चार तरीके हैं जो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर अपना डिसाइड कर सकती है. तो कल मैंने बहुत इस चीज को इजी बताया था कि अगर आपका एपेटाइट छोटा है तो खाली बर्गर ही खाओ. अगर आपका एपेटाइट बड़ा है तो आ जाओ भाई फ्रेंच फ्राइज भी लो बर्गर के साथ. और अगर आपका भाई मेरे को फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना है, मैं ना पोटेटोज एंड ऑल ऐसी सारी चीजें प्रेफर नहीं करूंगा, बट ये चीज भूल जाते हैं हम लोग कि बर्गर के अंदर भी वही चीज आती है. तो इक्विटी और डिबेंचर्स हम लोग ले, इक्विटी डिबेंचर्स दैट इज बर्गर प्लस कोका कोला, या तो तीनों चीजें हम लोग ले. हम लोगों को तो बड़ी भूख लगी, हमारा पेट तो बहुत बड़ा है भाई. तो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला, हमको तो पूरा मील चाहिए. तो अगर आपका एपेटाइट बड़ा है, मतलब कंपनी अगर बड़ी है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, इस तरीके से मार्केट में कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड कर सकता है. ठीक है, सो ये चार तरीके हैं. देखो क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिजर्व्स, लोन्स एक्सेट्रा. विद रेफरेंस टू दिस, अकॉर्डिंग टू जस्टिन बर्ग, decision regarding the type of securities. ये financial manager को जो decision लेना पड़ता है कि कौन से type की securities वो market में issue करे
और जिसके थ्रू वो पैसा रेस करे आर रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. सो उस कंपनी का वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है कि खाली इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस डिबेंचर्स या तो तीनों. सो यहाँ पे फिर से डेफिनेशन दी हुई है. Capital structure means the combination of different sources utilized by the company to raise the monetary or necessary capital. Or according to the Hoglund, capital structure means the proportion and the magnitude of the different securities issued and the sources utilized by the company. के कौन से जरियों से, मतलब कौन से sources, मैं हिंदी particular word use कर रही हूँ, जरिया हमारे पास के कौन से sources available है जो कंपनी यूज कर रही है और उसको मार्केट में इश्यू करके रेस कर रही है फाइनेंस कंपनी के लिए. ठीक है, सो वो प्रपोर्शंस एंड हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है अमाउंट वगैरह, सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा साइड रखते हैं हम लोग पहले. आप नीचे आ जाओ, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये चार टाइप्स दिखेंगे, है ना. कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली विथ इक्विटी शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विथ इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर्स विथ इक्विटी, और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स प्लस इक्विटी. तो ये इक्विटी इशू करना कंपलसरी है कंपनी के लिए, हर एक कंपनी के लिए, कोई भी छोटी हो बड़ी हो. ठीक है, तो ये दो मार्क में आपसे टाइप्स पूछ सकते हैं, वन मार्क में आपसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और या तो वन मार्क में सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. ठीक है, सो इतना क्लियर. अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स के, भाई आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का अच्छा खासा कैपिटल स्ट्रक्चर अगर अपने को चाहिए कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम सही हो, ओनर्स फंड, बोरोड फंड्स, ये बैलेंसिंग वगैरह करने के लिए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक तो सिंपल होना चाहिए, भाई सब लोगों को समझ में आना चाहिए. तो पहली चीज बताइए सिंपलिसिटी. कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम इजी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इतना ज्यादा बहुत कंफ्यूजिंग वाला नहीं होना चाहिए. ठीक है, बड़ा इजी होना चाहिए. भाई आप बर्गर के अंदर बोलोगे कि भाई ये भी डाल, वो भी डाल, ऐसा भी डाल, वैसा भी डाल, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाओगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, और आपको भी कंफ्यूजन होगी कि मैं खा क्या रहा हूं, कोई टेस्ट समझ में नहीं आएगी. सो इट शुड बी सिंपल. ठीक है, इजी वाला होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. सो इफ लेसर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर इशूड, अगर हम लोग कम सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर रहे हैं तो इट्स सिंपल रखने का अपने को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर. फिर प्रॉफिटेबल होना चाहिए. ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल. सो द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट द प्रॉफिट रिमेन्स ऑप्टिमम. बट सोच समझ के डिसीजन लेना है फाइनेंशियल मैनेजर को कि प्रॉफिट्स भी सामने मेंटेन हो सके, क्योंकि अगर डिबेंचर्स बहुत ज्यादा इशू कर दिए मार्केट में या बहुत ज्यादा लोन वगैरह उठा दिया, सब कुछ कर दिया, तो प्रॉफिट में मार आ सकती है भाई उसकी, समझे. तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए बिजनेस, प्रॉफिट अल्टीमेटली प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, कुछ भी डिसीजन लेंगे तो दिमाग में तो रखेंगे. तो सिंप्लिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी. फिर आ जाता है अपने ना ये वाले जल्दी कर लेते आईटी वाले पीछे, आईटी वाई सॉरी, सिंप्लिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी. ये क्या है? चार कॉमन है एकदम, जैसे साथ में चलेंगे. सो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज कर सकते हो आप कि हाँ भाई अपने को अगर इस बार और ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, या फिर ठीक है इस बार हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, मार्केट कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है, डिप्रेसिव चल रहा है, और अगर हम लोगों को असेट्स वगैरह खरीदने और उसके लिए कैपिटल वगैरह चाहिए अपने को, तो हम लोग डिसीजन ले लेते कि चलो भाई इस बार डिबेंचर्स हम लोग इशू कर रहे हैं ज्यादा अमाउंट में. तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि भाई बोरोड फंड्स बढ़ नहीं सकते कैपिटल, बट चाहते हैं हम लोग कि कैपिटल जो शेयर कैपिटल है ना वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द बोरोड फंड्स. तो अगर ज्यादा हो भी जाते हैं तो बैलेंस करने आना चाहिए, तो एक बैलेंसिंग भी आ जाएगा इधर अमाउंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स में. तो सिंप्लिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ पे लिक्विडिटी में आ जाऊंगी कि देयर शुड बी सच टाइप ऑफ प्रोविजंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर दैट द लायबिलिटी एंड द डेट कैन बी पेड इन टाइम. और बस सोच समझ के अपने को रेज करना है कैपिटल या
डिबेंचर्स इशू करते जाओ या फिर बहुत ज्यादा आपने डेब बढ़ा दिया है अपना और आप पेमेंट नहीं कर सको तो ये गलत है, कंपनी के लिए बहुत गलत चीज हो जाएगी। तो हम लोग जितने के लायबल हो उतने का कर्जा उठाने का बाहर से, भाई भाई मैं चुका भी तो सकूं ना, मैं बस उठाते जाए हम लोग बाहर से कर्जा, तो ऐसा नहीं करना है आपने। सो लिक्विडिटी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, हम लोग उनको पेमेंट कर सके जितना हमारी, हम बोलते हैं ना भाई हमारे जितनी क्या बोलते हैं अपने एक पर्टिकुलर हर कोई बड़े लोग बोलते हैं कि भाई जितनी चादर है उतने ही हम लोगों को पांव फैलाने चाहिए अपने, तो वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट वगैरह कुछ बोलते हैं वो, तो भाई हाँ जितनी भाई हमारी जितनी हैसियत हमारी जितना वो ना उतना ही हम लोगों को करना चाहिए, बहुत ज्यादा 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 बाहर से पैसा नहीं उठाना चाहिए। तो लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो हाँ भाई कुणाल, जितनी ताकत हो हमारी हमको उतना ही काम करने का, उससे ज्यादा नहीं करने का। सो सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, चार चीजें। फिर बैलेंसिंग भी आ जाता है कि बैलेंस हम लोगों को प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग बना के रखना है ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल में, ओके। और 5 मिनट के लिए फिर से रिज्वाइन हो जाना फटाफट से, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये एक दो कैरेक्टर्स